हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद माय अनदर वीडियो। माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखे और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम, तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। क्योंकि मुझे बेस जो है आपका एक डेवलप करना था, ताकि आपका अकाउंटिंग में बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो बेस हमारा क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ वहां तक आपको समझ में आ गया। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसका फर्स्ट चैप्टर इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन और चैप्टर नंबर 2। इसीलिए मैंने चैप्टर नहीं कराया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं आप लोगों को जितने भी बेसिक हैं या थ्योरी है वो पहले करा दूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन देखो लिखा ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब होता है कि जितनी भी एसेट्स होती है हमारी, वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। एसेट का मतलब समझते हो, एसेट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो बिजनेस में हमारे लिए यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है, जैसे मशीन हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, है ना, बैंक बैलेंस हो गया, ये सारी हमारी चीजें क्या होती है, बिल्डिंग हो गई, एसेट्स है। अब ये जो एसेट्स बनती है, ये बनती कहां से, दो तरीका है भाई। बिजनेस आप बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपको बिजनेस में एसेट चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो इन सारी चीजों को पैसा लाने का दो तरीका है। एक तरीका तो है आपका कि आप खुद से पैसा ले आओ, खुद से पैसा लगा दो, ओन फंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। दूसरा होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप कहीं से उधार लेते हो, वापस उसको बाद में करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। दो तरीके हैं, या तो खुद से पैसे लगाओ या तो किसी और से पैसे लेके आओ। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हमारी एसेट्स डेवलप्ड होती है, जिससे हमारी एसेट्स बनती है। तो इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन बोलती है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। समझ में आई बात। तो उसको लाने के दो तरीके हैं, पैसा लाने के, एक तो किसी और से पैसा ले लो या फिर दूसरा खुद से पैसा लगा दो। समझ में आई बात। देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने 10,000 का एसेट खरीदा, एसेट्स में आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, आपने लिख दिया। अब 10,000 आपके पास, आपने क्या किया, फर्स्ट आपने 4,000 किसी से उधार लिया और 6,000 आपके पास खुद के थे। तो आपके अब पैसे कहां से आए, 6,000 आपने खुद के लगाया, कैपिटल हो गया। 4,000 आपकी क्या थी, आपने उधार लिया किसी से, तो ये 4,000 हो गया। अब देखो इक्वेशन मैच, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 604 कितना हो गया, 10,000। दैट मींस इक्वेशन मैच है। तो कभी भी होगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जितनी भी एसेट्स होगी वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक चीज दे रखा है, बैलेंस शीट। हमको इस चैप्टर में करना क्या है ये समझो। देखो बैलेंस शीट आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, ठीक है। पहले समझ लो बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। और याद रखना, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है। कभी कभी आपके पेपर में, वाइवा में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है कि अकाउंट है। तो वहां पर तुरंत बताना कि बैलेंस शीट एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। कैसे बताता है, देखो एसेट्स, मान लो एसेट्स मतलब जो बिजनेस का सामान है, सारी चीजें क्या क्या है भाई, मान लेते हैं बिजनेस में हमारे पास मशीनरी है 10,000 रुपीज की, डेटर्स है हमारे पास 5,000 रुपीज के। डेटर्स का मतलब होता है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। और अगर इसका टर्म्स नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वाली वीडियो जाके आप लोग देखो, ठीक है। तो डेटर्स का मतलब जिससे हमें पैसे लेने, तो पैसे लेने मतलब वो मेरी क्या है, एसेट्स है। मान लो कैश है मेरे पास 5,000 रुपीज का, फर्नीचर है मेरे पास 10,000 रुपीज का। समझ में आ रही बात। तो कितना हो गया टोटल, 10, 5, 15, 5, 20 और 21, 30। मान लो अभी इतनी है, ठीक। तो ये क्या है हमारा एसेट साइज, कितना आया, 30,000 आया। तो मैंने क्या बताया, इधर एसेट इतना आया है तो इधर साइड भी इतना ही आएगा। ये क्वेश्चन बताइए ना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपका एसेट इतना आया है तो इधर वाला साइड भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब इधर क्या लिखा जाता है समझ लो, इधर लिखा जाता है पहले तो कैपिटल। क्या लिखा जाता है, कैपिटल। कैपिटल में आपने क्या किया, आपने 15,000 रुपीज खुद से लगाया, ठीक है। सर कैपिटल इधर क्यों लिखा गया, कैपिटल बेटा इसलिए लिखा गया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक मान लो ओनर है, ये हमारा कौन है, बिजनेस है,
तो ओनर ने पैसे लगाए, मान लो सपोज 15,000 रुपीज ओनर ने लगाए, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है, ओनर कौन है, अलग है। तो ओनर ने जब पैसे लगाए तो बिजनेस की क्या बनती है, बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि उसको पैसे को क्या करे, वापस करे। तो जो कैपिटल लगाई है तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो इसलिए कैपिटल को हम लोग हमेशा कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। याद रखना कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है वो उसके लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उसको पैसे वापस करने। इसलिए कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में। उसके बाद भाई अब मान लो बैंक लोन हो गया, आपने बैंक लोन ले रखा है कितने का, 10,000 का। उसके बाद मान लो क्रेडिटर है कितने का, 5,000 का। कितने का, 5,000 का। जोड़ो कितना हो गया, 15,000, 10,000, 5,000। 15 और 10 कितना हुआ, 25, और 24 और 5 कितना हुआ, 30,000। अब देखो इधर का अमाउंट और इधर का अमाउंट सेम है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रही बात। तो कभी भी होगा, इधर का बैलेंस शीट हमेशा हमारी टैली करती है, एसेट साइड का और इधर लायबिलिटी साइड का, दोनों अमाउंट क्या करेगा, हमेशा मैच करेगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो, समझ में आई बात। तो एसेट साइड हमेशा इधर होगा और लायबिलिटी साइड भी हमेशा इतना ही होगा। अगर इसी चीज को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा, बस ठीक है, यही काम करना है। जो बैलेंस शीट है आपकी उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है देख लो भाई, एसेट्स क्या है हमारी, कितनी है, 10, 5, 30 है, 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दो एसेट्स की जगह पे, लिख दिया मैंने। अब बताओ लायबिलिटीज कितनी है हमारी, लायबिलिटीज से पहले कैपिटल लिख लो, कैपिटल कितनी हमारी, 15,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल की जगह पे 15,000। अब बताओ लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज तुम्हारी ये है ना, बैंक लोन और साथ ही साथ क्रेडिटर, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो अब बताओ इधर साइड में और इधर साइड में क्या इक्वेशन मैच हो रही है, 13,000 इधर भी है और इधर क्या है, 15, 15 कितना हो गया, 30,000। तो क्या हम आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट यहाँ मैच हुई थी उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बस आपको इस चैप्टर में यही करना है कि जो भी बैलेंस शीट है हमारी उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा छोटा सा एक रूल है, उसको आप लोग याद रखना कि जितने भी रूल्स में लिख लेना, मैं दे दूंगा अभी, नोट कर लेना कि जितने भी इम्पैक्ट होंगे उसके दो साइड होंगे, क्या होंगे, एवरी इम्पैक्ट टू साइड, जितने भी इम्पैक्ट पड़ेंगे टू साइड्स होंगे। जैसे क्या, टू साइड्स में क्या होगा, मान लो से ये मार्कर है तो उसके दो इम्पैक्ट होंगे, मैंने बताया एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। जैसे क्या, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैंने सेल किया तो मार्कर गया मेरे पास क्या आया, कैश आया, मतलब मार्कर गया कैश आया, तो हम लोग दोनों चीज लिखेंगे। मार्कर मान लो 20 रुपए का गया तो कैश 20 रुपए का आया, ये दोनों चीजें लिखी जाएगी, समझ में आई बात। उसके बाद अगर मान लो हमें प्रॉफिट होता है, क्या होता है हमें अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मान लो प्रॉफिट हमारा कम होता है, क्या होता है, प्रॉफिट हमारा कम होता है तो कैपिटल भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रखना अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट घटता है तो कैपिटल घटती है। क्यों, प्रॉफिट क्या, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में लोग पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट जब बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ही तो जुड़ेगा ना, जब प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ी, प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल घटी, समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं बस 2 सेकंड में आया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप सब जाके देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे
कॉन्टेक्ट कर लेना। उसके अलावा अकाउंट्स के 4 चैप्टर हो गए हैं, कल बहुत ही जल्द हम लोग 2-3 दिन के अंदर जर्नल एंट्री भी स्टार्ट कर देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट है और मैं बहुत जल्द से जल्द आपको लोगों को टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे वीडियो आया करेगी और डेली बेसिस पे वीडियो आया करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।